हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीके ओडिशा। देखो सांग मैंने आज आम जैकि किसी ज्योग्राफी क्वेश्चन डिस्कसन करवा। ज्योग्राफी क्वेश्चन जे कि आमर ओडिशा गवर्नमेंट रो प्रत्येक अपकमिंग एग्जाम पई वीडियोटी गुरुत्वपूर्ण रहिबो। ये कौनसी पर्टिकुलर एग्जाम पई नुहे। आज वीडियोटी जे कि बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अच्छे, बस आपण खाली वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। जेमिति कि आपण माने जानिथिबे ओ ट्रिपल एसी हो बा ओ डबल एसी हो, ओ ट्रिपल एसी बा ओ डबल एसी रो प्रत्येक एग्जाम जेमिति कि आरआई एआरआई ओमिनो ओडिशा पुलिस ओडिशा फायर ओडिशा आईआरबी जे कि फॉरेस्ट गार्ड प्रत्येक अपकमिंग एग्जाम पई वीडियोटी गुरुत्वपूर्ण रहिबो। ठीक अछि, जदि भी आपन को एहार पीडीएफ फाइल दरकार आपण माने हम टेलीग्राम चैनल जॉइन करके एहार पीडीएफ टी को पाई परिबे। एवं टेलीग्राम चैनल लिंक आपण चैनल रो अबाउट सेक्शन को गले आपन को टेलीग्राम चैनल लिंक मिल जिवो। ठीक अछि, तबे चालंतु आज प्रथम प्रश्न टी को आरंभ करबा। देखिबा क्वेश्चन टी कोन अछि सांग माने। देखो सांग माने प्रथम क्वेश्चन टी अछि, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया आर बॉर्डर बाय भूटान। एठी कहछि कि भारतर केतोटी राज्य जे कि तार बॉर्डर कहा सहित ना भूटान सहित शेयर करिजी। सठिक उत्तर कौन है कहतु केतोटी राज्य ना ऑप्शन ए चारोटी। ठीक अच्छे, चारोटी राज्य जे कि तार बॉर्डर कहा सहित ना भूटान सहित शेयर करिजी। प्रथम चलंतु आम जानी नवा से चारोटी राज्यर नाम कौन। ठीक अच्छे, प्रथम है आमर कौन ना, प्रथम आमर है आसाम। ये सब आप नोट करके रखुथे आसाम। सेकेंड जे कि आमर है कौन अरुणाचल प्रदेश, एपी लिखिदे अरुणाचल प्रदेश। थर्ड्रे कौन ना, थर्ड्रे आमर है वेस्ट बेंगल। फोर्थ्रे कौन हम ना, फोर्थ्रे आमर हम सिक्किम। ठीक अच्छे, ये चारोटी राज्य जे कि तार बॉर्डर भूटान सहित शेयर करुच्छे। जदि एग्जाम आपन को पचार कौन ना, भारत जो चारोटी राज्य तार बॉर्डर जो भूटान सहित शेयर करुच्छे टोटाल टोटाल केते किलोमीटर जे कि भारत तार बॉर्डर टा को भूटान सहित शेयर करुच्छे। कौन कहे केते किलोमीटर कथा पचारे ना, किलोमीटर कथा पचारे आप कहे 699 किलोमीटर जे कि भारत तार बॉर्डर टा को भूटान सहित शेयर करुच्छे। एग्जाम रे ए टाइप रो क्वेश्चन आसीजिव। देखो सांग माने भारत तार केते किलोमीटर बॉर्डर जे कि भूटान सहित शेयर करुच्छे। कौन कहे ना, 699 किलोमीटर बॉर्डर जे कि भूटान सहित शेयर करुच्छे। ठीक अच्छे, आउ ए टाइप रो भी क्वेश्चन पलै आसीबो जे कि भारतर केतोटी राज्य जे कि तार बॉर्डर भूटान सहित शेयर करुच्छे। आपण कहले जानिले कि चारोटी राज्य, ए चारोटी ना भी आपण मने रखिथिबे काहेकि ना भाभी नियंतु पचारिबो निम्नलिखित मध्यरु केउ राज्यटा जे कि आमर तार बॉर्डर भूटान सहित शेयर करुच्छे। ऑप्शन ए दे देथिबो गोटी आसाम, तापर आउ तीनटा अलग राज्यर नाम दे देथिबो। तो आपण एटी चारोटी राज्यर नाम मन रखिले आपण को ए टाइप रो क्वेश्चन करबा को बहुत सुविधा हबो। ठीक अछि, जे कि एठी आमर सठिक उत्तर हे जीवो ऑप्शन ए चारोटी। ठीक अछि, तबे चालंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। क्वेश्चन नंबर 2 सांग माने एठी कोन कहउछि, एठी सांग माने हमको क्वेश्चन पचारिछि व्हेयर इज काराकोरम पास लोकेटेड। जे कि आमर जो काराकोरम पासटा आमर केउठी अवस्थित, केउठी अवस्थित कहतु ना, ऑप्शन ए लद्दाख। ए जो लद्दाख ठारे जे कि आमर कौन ना, काराकोरम पासटा आमर अवस्थित। आपण तो ये सांग माने जानिले काराकोरम पासटा जे कि आमर केउठी अवस्थित ना लद्दाख रे। ए जो काराकोरम पासटा काहाकु कनेक्ट करे, काहाकु कनेक्ट करे जदि पचार आपण कोन कहबे नोट करंतु। जदि कनेक्ट कथा पचारे आपण कहे इंडिया को, इंडिया को जे कि तिब्बत, इंडिया को जे कि तिब्बत सांगे रे कनेक्ट करुचे। ठीक अच्छे, ये जो प्रत्येक क्वेश्चन में आपन को एक्स्ट्रा क्वेश्चन दहुची आपन ये सब नोट करके रखंतु, बहुत इंपोर्टेंट रहिबो। ठीक अच्छे, काराकोरम पासटा जे कि आमर कनेक्ट करुची भारत को तिब्बत सांगे रे। ठीक अच्छे, जे कि काराकोरम पासटा आमर लद्दाख रे अवस्थित, बुझि पाइले। तो एठी देखंतु आउ गोटे होची, ए जो काराकोरम पासटा आमर होची जे कि भारतर हाईएस्ट पास, भारतर हाईएस्ट पास रो नाम होची काराकोरम पास। जे कि ए काराकोरम पास रो बेले बेले एग्जाम रे हाइट पचार दिए। ठीक अच्छे, हाइट केते ना 5654 मीटर, 5654 मीटर काराकोरम पास रो हाइट। हाइट भी मन रखिथिबे एग्जाम रे क्वेश्चन पळे आसो काराकोरम पास रो हाइट केते ना 5654 मीटर हेउची एहारो हाइट। मन रहिला जहाँ भी प्रॉब्लम रहउची आपण हमको कमेंट करंतु, आमे निश्चय आपणको प्रॉब्लम बा आपण कमेंट रो उत्तर दबु। तेबे चालंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। क्वेश्चन नंबर 3 सांग माने एठी कोन कहउची देखंतु,
एटी सांग माने हमको क्वेश्चन टी कहिला इन व्हिच ओशियन आर द कौन ना हावली आइलैंड ए जो हवाई आइलैंड टा हमरो केउ ओशियन रे अवस्थित केउ ओशियन रे हवाई आइलैंड अवस्थित सटीक उत्तर कोन हेबो कोन ऑप्शन कोन हेबो ऑप्शन सी पैसिफिक ओशियन पैसिफिक ओशियन रे जे के हमरो हवाई आइलैंड टा अवस्थित एठी जे के हमरो ऑप्शन सी हे जीवो करेक्ट आंसर ठीक अछि एमिति भी क्वेश्चन टी पळै आसीबो पैसिफिक ओशियन रे केउ आइलैंड अवस्थित नोट करंतु संग माने एठी एग्जाम रे क्वेश्चन पचार दबो एटा भाबिनो उल्टे देला कौन पचारिबो ना पैसिफिक ओशियन रे जे कि हमरो केउ आइलैंड टा हमरो अवस्थित कोन कहबे ना हवाई आइलैंड टा जे कि हमरो पैसिफिक ओशियन रे अवस्थित ऑप्शन सी हे जीवो एठी करेक्ट आंसर ठीक अछि संग माने क्वेश्चन नंबर 4 देखंतु एठी कोन कहउची एठी हमको क्वेश्चन टी पचारिची व्हिच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया भारत रो सबुठारु दीर्घतम नदी रो नाम कोन दीर्घतम नदी रो नाम कोन हेबो ना ऑप्शन ए गंगा ठीक अछि गंगा नदी टा जे कि हमर गंगा नदी टा जे कि हमर सबुठारु कोन ना बड़ नदी हैला ऑप्शन ए हे जीव एठी हमर करेक्ट आंसर जदि लेंथ कथा पचाला केते किलोमीटर व्यापी छि कोन कहबे ना 2525 किलोमीटर पर्यंत जे कि एई हमर गंगा नदी टा हमर व्यापी छि ऑप्शन ए हे जीव एठी करेक्ट आंसर जदि आपन को एग्जाम रे एमिति भी क्वेश्चन पचार दबो गंगा नदी केउ जगार उत्पन्न होई उत्पन्न ओरिजिनेट केउ जगार होई कौन कहबे ना कोडू ना उत्तराखंड नोट करंतु उत्तराखंड उत्तराखंड रो केउ जगार ना उत्तराखंड रो जे कि कौन ना गंगोत्री ग्लेशियर रु गंगोत्री ग्लासियर जे कि हमर कोटा ना गंगा नदीटा उत्पन्न होई जे कि गंगा नदीटा हमर भारतर सबुठारु दीर्घतम नदी जे कि 2525 किलोमीटर पर्यंत सी व्यापी छि ऑप्शन ए हे जबो हमर एठी करेक्ट आंसर संग माने एठी आपन मानक पई आउ किछि इम्पोर्टेंट पॉइंट अछि आपन नोट करि रखंतु बहुत गुरुत्वपूर्ण रहइबो आपन तो जानिले गंगा नदीटा हमर ओरिजिनेट हे छि केउ जगारु को कहिले आपन को गंगा नदीटा जे कि हमर ओरिजिनेट हे छि कोटु ना उत्तराखंड रो गंगोत्री ग्लासियर रु जे कि ए गंगा नदीटा फ्लो फ्लो माने कौन ना प्रवाहित फ्लो माने हूँ प्रवाहित क्यों स्टेट दे कि गंगा नदी प्रवाहित हो कौन कहे ना फास्ट है रखु उत्तराखंड उत्तराखंड सेकेंड रे कौन है ना सेकेंड रे आमर उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश तीन नंबर कौन है ना तीन नंबर जे कि आमर हम बिहार चारि नंबर कौन हेबो ना चारि नंबर जे कि हमर झारखंड झारखंड पांच नंबर कौन हेबो कहतु ना पांच नंबर आमर है वेस्ट बेंगल ठीक अछि ए पांचटा स्टेट दे कि जे कि हमर गंगा नदीटा प्रवाहित होई प्रथम आपण मन रखंतु आमर है कौन उत्तराखंड सेकेंड रे उत्तर प्रदेश थर्ड रे बिहार फोर्थ रे झारखंड पांच रे वेस्ट बेंगल ठीक अछि पांचटा नाम मन रखिथिबे बहुत इंपोर्टेंट आपण मानक पई रहिबो ठीक अछि जे कि 2525 किलोमीटर पर्यंत ई हमर व्यापी छि तबे चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 5 संग माने देखंतु एटी कोन कहउछि हमकु क्वेश्चन हमको ये कहला ह्वाट इज द आवरेज हाइट ऑफ द हिमालय जे कि आवरेज कथा पचार हिमालय जे कि आवरेज हाइट केते कहतु केते हबो ना ऑप्शन कौन ना सी 6100 किलोमीटर 6100 किलोमीटर पर्यंत जे कि हिमालय होउची हाइट आवरेज हाइट ऑप्शन सी हे जीवो टी आपनकर करेक्ट आंसर आउ गोटे कि आप मन रखु ये जो हिमालय आपको कहूँ हिमालय अदर नेम कौन कौन कहे ना प्रभात राज नोट करूँ अदर नेम हिमालय अदर नेम जे कि आमर हो पर्वतराज हो जा हिमालय अदर नेम बा पर्वतराज को आम कह किंग ऑफ माउंटेन कौन ना किंग ऑफ माउंटेन ठीक अच्छे जे कि आमर 6100 किलोमीटर हो जाए आवरेज हाइट जे कि आम हिमालय अदर ना हो पर्वतराज बा किंग ऑफ माउंटेन मन रखिथे तेरे चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 6 सांग मैंने देखते कौन कौन एटी क्वेश्चन टी आमको कहला कि
जे कि बुदापेस्ट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर केउ नदी कूल रे जे कि हमर ए जो बुदापेस्ट हमर अवस्थित कोंतु केउ नदी कूल रे ना ऑप्शन कोन ऑप्शन डी धनुप ठीक अछि धनुप नदी कूल रे जे कि हमर ए बुदापेस्ट हमर अवस्थित ठीक अछि बुदापेस्ट हमर धनुप नदी कूल रे अवस्थित ऑप्शन डी हे जीव एटी करेक्ट आंसर बुझि पाइले ना नाही हां तेबे चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 7 संग माने देखंतु एठी कोन कहू छी हमकु क्वेश्चन नंबर 7 कहले कि कटक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर एटा समस्त जानिथिबे जे कि कटकटा हमर केउ नदी कूल रे अवस्थित सटीक उत्तर कोन हेबो कोंतु कटकटा हमर केउ नदी कूल रे अवस्थित ना ऑप्शन सी महानदी महानदी कूल रे जे कि हमर कटक शहर अवस्थित ए जो महानदी कथा उठला माने किछि भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन एटी जानि नबा महानदी हे जाउची हमर ओडिसा रो सबुठारु बडो नदी ठीक अछि सेकंड रे केउ नदी ना सेकंड रे हो जाउची ब्राह्मणी नदी प्रथम स्थान रे जे कि ओडिसा रो बडो नदी कथा आपन को पचले आपन कहबे महानदी सेकंड रे ओडिसा रो द्वितीय बृहत्तम नदी रो नाम कोन ना ब्राह्मणी नदी एई महानदी उपरे जे कि हमर कोन अवस्थित ना हीराकुद डैम अवस्थित हीराकुद डैम जे कि हमर महानदी उपरे अवस्थित ए हीराकुद डैमटा ओडिसा रो केउ हमर ओडिसा रो केउ जिल्ला रे अवस्थित जदि पचार आपण कोन कहबे हीराकुद तो आपण माने जानिले महानदी उपरे अवस्थित जे कि हीराकुदटा हमर संबलपुर डिस्ट्रिक्ट रे अवस्थित ठीक अछि संबलपुर डिस्ट्रिक्ट रे अवस्थित ए संबलपुर डिस्ट्रिक्ट रे हमर हुमा मंदिर भी अवस्थित मन रहला ना कोन ठीक अछि ए जो कटक कथा उठि जे माने कटक कथा रे भी किछि हमें एक्स्ट्रा पॉइंट जानि लबा कटक रे हमर कोन अवस्थित ना कटक रे जे कि हमर नेशनल इंस्टिट्यूट राइट सेंटर कटक रे तो बहुत किछि अवस्थित बहुत किछि मध्यरु गोटी आपन को कहि रखु छी आपन मने रखंतु नेशनल इंस्टिट्यूट राइट सेंटर जे कि हमर कोठी ना कटक रे अवस्थित नेशनल इंस्टिट्यूट राइस सेंटर एनआईआरसी जेकि अवस्थित ए एनआईआरसी केबे एस्टाब्लिश बा केबे प्रतिष्ठा होइथियो जदि पचारिबो आपण कोन कहबे ना 23 अप्रैल केते ना 1946 ये पॉइंट कर आपण भाबुथिबे ये पॉइंट को भी आपण गोटे गोटे क्वेश्चन बोली मानुथिबे काहे कि ना आपण भाबुथिबे कि सर आपण बहुत एक्सप्लेन करुचोंदि जे केते एक्सप्लेन करंतुनी मु कोन पई करुचि ना गोटे जिंस कथा हमर उठिला माने से जिंसटा उपर आपणकर क्लियर होइजिबा दरकार क्वेश्चन टी पलि आसिबो ए जो आपण कहले कि एनआईआरसी नेशनल इंस्टिट्यूट राइट सेंटर हमर केउठी अवस्थित कोन कहबे ना कटक रे अवस्थित पुणी क्वेश्चन आसिबो नेशनल इंस्टिट्यूट राइट सेंटर केबे एस्टाब्लिश कटक थारे होइथिला कोन कहबे ना 23 कोन कहबे कि 23 अप्रैल 1946 रे जे कि कटक थारे नेशनल इंस्टिट्यूट राइट सेंटर जे कि एस्टाब्लिश होइथिला मन रहला तेबे चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 8 संग माने देखंतु कोन कहू छी एठी 8 नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन एठी हमकु पचारि छी तुंगभद्रा ए जी ए ट्राइब्यूटरी ऑफ व्हिच रिवर केउ नदी रे गोटे तुंगभद्रा हेउ छी गोटे कोन ना उपनदी सटीक उत्तर कोन हेबो कोंतु ऑप्शन सी कृष्णा कृष्णा नदी रे गोटे उपनदी ठीक अछि ऑप्शन सी हे जी हमर एठी करेक्ट आंसर देखन संग माने क्वेश्चन नंबर 9 एठी हमकु कहिला व्हाट इज द मोल्टन फॉर्म लॉक कॉल्ड जे कि ए क्वेश्चन आपण मन को भी एते भी इंपोर्टेंट रहिबोनी तथापि आपण मन रखिथांतु ठीक अछि एठी क्वेश्चन टी कहै छी कि हमर जो ए जो मोल्टन फॉर्म टा हमर केउ रॉक रे अवस्थित सटीक उत्तर कोन हेबो कोंतु 9 नंबर ना ऑप्शन ए मैग्मा ठीक अछि ए मैग्मा रॉक रे जे कि हमर ए जो मोल्टन टा हमर अवस्थित ऑप्शन ए हे जीवो ठीक करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन टी कहै छी हमको एठी 10 नंबर क्वेश्चन जे कि ए ट्रीलेस ग्रासलैंड इज कॉल्ड कौन कहला ना ट्रीलेस ग्रासलैंड केउ ग्रासलैंड रे जे कि ट्रीलेस से ग्रासलैंड रो नाम कोन सटीक उत्तर कोन हेबो कोंतु ना ऑप्शन टी सी ठीक अछि स्टेपी ए स्टेपी ग्रासलैंड रे जे कि से ग्रासलैंड हमर ट्रीलेस ठीक अछि जे कि गच्छ सेटी नाही ऑप्शन सी हे जो एटा हमर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन नंबर 11 व्हिच इज द बिगेस्ट सैटेलाइट इन द सोलार सिस्टम सोलार सिस्टम रो ठीक अछि बढ़िया क्वेश्चन टे आसिला कोन कहूची ना हमर जो सोलार सिस्टम अछि से सोलार सिस्टम रो बिगेस्ट सैटेलाइट सबुठारु बड़ो सैटेलाइट रो नाम कोन कोंतु हमर जो अछि सोलार सिस्टम से सोलार सिस्टम रो सबुठारु बड़ो सैटेलाइट रो नाम कोन सटीक उत्तर कोन हबो कोंतु एठी ना ऑप्शन कोन ऑप्शन सी ऑप्शन सी हे जीव आपनकर एठी राइट आंसर जे कि
कौन ना गैनिमेड, ठीक अच्छे गैनिमेड जे कि हमर हेजिवो सबुठारो ए सोलार सिस्टम रो सबुठारो बिगेस्ट सैटेलाइट ऑप्शन सी हेजिवो ठीक करेक्ट आंसर। संग माने तबे चालंतु आमे किछि एक्स्ट्रा क्वेश्चन जानि नबा आपण तो एठी जानिले जे कि बिगेस्ट सैटेलाइट जदि एग्जाम रे क्वेश्चन पचारला लार्जेस्ट प्लांट लार्जेस्ट प्लैनेट कौन कौन कहबे ना जुपिटर जुपिटर मन रखु जुपिटर हो जाऊँ सब बड़ कौन ना प्लैनेट ठीक अच्छे आ सब बड़ सैटेलाइट किए सब बड़ सैटेलाइट आप मन रखिले कौन ना गैनिमेड ठीक अच्छे तापर स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन ना सब बड़ प्लैनेट आप जानले कौन ना जुपिटर बड़ जदि जानले सान भी जानवे सान किए ना मर्क्यूरी ठीक अच्छे मर्क्यूरी हो जाऊँगी सब कौन स्मॉलेस्ट मन रहा तेज चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 12 सांग मैंने देखो ये कौन कौन क्वेश्चन नंबर 12 आमको पचारा ह्विच प्लानेट हाज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट कौन पचारा ना सैटेलाइट क्या पचार कौन ना ह्विच प्लानेट के प्लानेट रे कि अधिक मात्र कौन सैटेलाइट अच्छी सठिक उत्तर कौन है कहतु ऑप्शन कौन बी ठीक अच्छे ऑप्शन बी जे कि कौन ना सटलन ठीक अच्छे बा सनी ठीक अच्छे ये शनि शनि ग्रह जे कि अधिक मात्र कौन ना प्लानेट अच्छी केतोटी अच्छी जदि पचारे कौन कहे हाउ मेनी सैटेलाइट ना बयासीटी ठीक अच्छे बयासीटी अच्छी ठीक अच्छे बयासीटा भी आप मन रखी थे बहुत इंपोर्टेंट रहिबो सोलार सिस्टम रो सेकेंड लार्जेस्ट प्लानेट कथा जदि पचारे आप कहे सोलार सिस्टम रो जे कि फास्ट हो जुपिटर ठीक अच्छे फास्ट जे कि आपको कही कि जुपिटर सबुठ छोट हो मर्क्यूरी सेकेंड सेकेंड कथा जदि आपको पचारे आपठ कह कौन सोलार सिस्टम रो सेकेंड लार्जेस्ट प्लानेट होमर सोलार सिस्टम रो ए सनी ठीक अच्छे बा सटलन ऑप्शन बी हो जीवो एटी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 13 एटी क्वेश्चन टी कला कि इन ह्विच स्टेट इज द पीर पंजाब पास्ट लोकेटेड जे कि आमर क्यों स्टेट रे जे कि पीर पंजाब पास्ट आमर अवस्थित हाँ मैंने ये प्राय पिला कन्फ्यूज हो जाती ठीक अच्छे एटाक आपको ऑप्शन वाइज ही आपको आंसर देवाक पड़ो किसी पिला कहते जम्मू एंड काश्मीर किसी पिला कहते हिमाचल प्रदेश आमको ये देखा पड़ो ऑप्शन वाइज ही आंसर देवाक पड़ो ऑप्शन आप देखिए कौन अच्छी ये कि पीर पंजाल पास लोकेटेड पीर पंजाल पास लोकेटेड आमको ऑप्शन वाइज देखा गले ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश हम ठीक अच्छे जदि आधार हिमाचल प्रदेशटा नदेकी जदि जम्मू एंड काश्मीर देता कौन करता ना आप आंसर देता था जम्मू एंड काश्मीर जे कि पीर पंजाल पास्टा आमर अवस्थित ये जो पीर पंजाल पास्टा देटा दुटा जगह को कनेक्ट करुच्ची ठीक अच्छे हिमाचल प्रदेश उथ जम्मू एंड काश्मीर को ठीक अच्छे ये आपको ऑप्शन वाइज ही आंसर देवाक पड़ो बुझिपाले ना ना जदि एग्जाम पचारे आमर पीर पंजार पास्टा क्या कनेक्ट करे कौन कहे क्या कनेक्ट करे ये आपको हिमाचल टू जम्मू काश्मीर कथा पचार क्या कनेक्ट करे आपन कहे काश्मीर भैली रू कौटी ना आमर राजौरी डिस्ट्रिक्ट जो अच्छी राजौरी डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करुच्ची काश्मीर भैली रू राजौरी डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करुच्ची ठीक अच्छे जे कि आम सठिक उत्तर ऑप्शन सी हो जीवो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 14 एटी सांग माने क्वेश्चन टी आमको पचारा ह्विच इज द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया भारतर दीर्घतम लेक ह्रदर नाम कौन सठिक उत्तर कौन है कहतु 14 नंबर ना ऑप्शन कौन कौन है जल्दी जल्दी कहतु ऑप्शन सी ठीक अच्छे कौन ना भेमबनत लेक जे कि आमर हो कौन ना लॉन्गेस्ट दीर्घतम ह्रद ऑप्शन सी हो जीवो करेक्ट आंसर एटा लोकेटेड केउठी अवस्थित क्वेश्चन आसे आमर पचार क्वेश्चन टी पलै आसे जे कि आमर जो आपन कहली कि ह्विच इज द लॉन्गेस्ट लेक ए जो कौन ना भेमबंद हर्दटा आमर केउठी अवस्थित लोकेटेड कथा पचारे आपन कहबे केरल केरल जे कि आमर एटा आमर हर्दटा अवस्थित आर अदर लेक कथा पचारे ए केरल रे आउ केउ केउ लेकटा आमर अवस्थित कौन कहबे आस्तामुड़ी लेक बा पेरियाल नोट करके रखु गोटी है आस्तामुड़ी लेक आउ गोटी है पेरियाल एग्जाम रे कौ टाइप रहा क्वेश्चन आसे ना आपको पचारदेव आस्तामुड़ी लेकटा आमर केवस्थित बा पेरियाल लेकटा आमर केवस्थित ठीक अच्छे न
ନହେଲେ ଏମିତି ବି ପଚାରିବ କେରଳରେ କେଉଁ ଲେକ୍ଟା ଆମର ଅବସ୍ଥିତ, ଅପସନ୍ ଏ ବି ସି ଡି ମଧ୍ୟରେ ଦେଇଦେଇଥିବ, ତା ଦେହରେ ଗୋଟିଏ ଦେଇଥିବ ପେରିଆଲ ଲେକ୍, କେଉଁ ଲେକ୍ଟା କେରଳରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ନା ପେରିଆଲ ଲେକ୍ଟା ଯିଏକି କେରଳରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏଠି ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଫିଫ୍ଟିନ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି କହୁଛି କି ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ହୁଇଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଅନ୍ ଦ ଟ୍ରଫିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର। ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି କହିଲା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏଠି ବୁଝନ୍ତୁ, ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ହୁଇଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ର କ୍ୟାପିଟାଲ ଯାଇକି ଲୋକେଟେଡ୍ କ'ଣ ନା ଟ୍ରଫିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଦେଇକି ଯାଇଛି, ଅପସନ୍ ଏ ବି ସି ଡି ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ କୁହନ୍ତୁ ନା। ଅପସନ୍ ଏ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଯାଇକି ଆମର କ'ଣ ଟ୍ରଫିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଦେଇକି ଯାଇଛି, ମନେ ରହିଲା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର କ୍ୟାପିଟାଲ ଯାଇକି ରାଞ୍ଚି, ମନେ ରହିଲା ତ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗୋଟିଏ ନୁହଁ ବହୁତ ସାରା ଏଠି ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏସବୁ, କେତୋଟି ଆମର ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ କେତୋଟି ଷ୍ଟେଟ୍ ଦେଇକି ଟ୍ରଫିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଯାଇଛି, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ପଳାଇ ଆସିଲା କେତୋଟି ଷ୍ଟେଟ୍ ଦେଇକି ଟ୍ରଫିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଯାଇଛି, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ପ୍ରଥମେ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଠଟି, ଆଠଟି ଷ୍ଟେଟ୍ ଦେଇକି ଯାଇକି ଟ୍ରଫିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସରଟା ଗତି କରିଛି, ଟ୍ରଫିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ଟା ଯାଇଛି ଆଠଟି ଷ୍ଟେଟ୍ ଦେଇକି ଯାଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ଆଠଟି ଷ୍ଟେଟ୍ ନାଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ଗୁଜୁରାଟ, ଗୁଜୁରାଟ ସେକେଣ୍ଡ ରହୁଛି କିଏ, ସେକେଣ୍ଡରେ ଯାଇକି ଆମର ରାଜସ୍ଥାନ, ରାଜସ୍ଥାନ ଥାର୍ଡ଼ରେ, ଥାର୍ଡ଼ରେ କିଏ ହେବ ନା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏମ୍ପି, ଫୋର୍ଥ, ଫୋର୍ଥରେ କିଏ ହେବ ନା ଛତିଶଗଡ଼, ଲେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଛତିଶଗଡ଼। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବରରେ କିଏ ନା ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବରରେ ହେଉଛି ଆମର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛଅ ନମ୍ବରରେ କିଏ, ଛଅ ନମ୍ବରରେ ଆମର ହେଉଛି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ସାତ ନମ୍ବରରେ କିଏ ନା ସାତ ନମ୍ବରରେ ଆମର ହେଉଛି ତ୍ରିପୁରା, ତ୍ରିପୁରା। ଆଠ ନମ୍ବର, ଆଠ ନମ୍ବରରେ କିଏ ନା ଆଠ ନମ୍ବରରେ ହେଉଛି ଆମର ମିଜୋରାମ, ମନେ ରହିଲା, ଏଇ ଆଠଟି ଷ୍ଟେଟ୍ ନା ମନେ ରହିଲା ନା। ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଥରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଆମର ଗୁଜୁରାଟ, ସେକେଣ୍ଡରେ ହେଲା ରାଜସ୍ଥାନ, ଥାର୍ଡ଼ରେ ହେଲା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଫୋର୍ଥରେ ହେଲା ଛତିଶଗଡ଼, ଫିଫ୍ଥରେ ହେଲା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ସିକ୍ସଥରେ ହେଲା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ, ସେଭେନ୍ଥରେ ହେଲା ତ୍ରିପୁରା, ଏଇଥିରେ ହେଲା ମିଜୋରାମ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଆଠଟି ଷ୍ଟେଟ୍ ଦେଇକି ଯିଏକି ଆମର ଟ୍ରଫିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଗତି କରୁଛି, ଯିଏକି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଏଠି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଟ୍ରଫିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଗତି କରୁଛି, ମନେ ରହିଲା, ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏସବୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ନା ସବୁ ନୋଟ୍ କରିକି ରଖୁଥିବେ, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଏଠି ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କି ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ସିକ୍ସଟିନ୍ କହୁଛି, ହୁଇଚ୍ ପାସ୍ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଅନ୍ ଜୱାହର ଟନେଲ, ଯେ କି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଏଠି କହିଲା କ'ଣ ନା କେଉଁ ପାସ୍ ପାଖରେ ଯେ କି ଅବସ୍ଥିତ କ'ଣ ନା ଜୱାହର ଟନେଲ, ଜୱାହର ଟନେଲଟା ଆମର କେଉଁ ପାସ୍ ପାଖରେ ଅବସ୍ଥିତ, ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ କୁହନ୍ତୁ, ଏଠି କ'ଣ ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ନା ଅପସନ୍ ଏ ବାଣିହାଲ ପାସ୍, ବାଣିହାଲ ପାସ୍ ପାଖରେ ଯିଏକି ଆମର ଜୱାହର ଟନେଲଟା ଆମର ଅବସ୍ଥିତ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମିତି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ପଳାଇ ଆସିବ, ବାଣିହାଲ ପାସ୍ ପାଖରେ କେଉଁ ଟନେଲ ଅବସ୍ଥିତ, କ'ଣ କହିବେ ନା ଜୱାହର ଟନେଲଟା ଯିଏକି ବାଣିହାଲ ପାସ୍ ପାଖରେ ଅବସ୍ଥିତ, କିମ୍ବା ବାଣିହାଲ ପାସ୍ ପାଖରେ ଜୱାହର ଟନେଲଟା ଆମର ଅବସ୍ଥିତ, ଲୋକେଟେଡ୍ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ କଥା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ନା ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର, ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀରରେ ଯିଏକି ଆମର ବାଣିହାଲ ପାସ୍ଟା ଅବସ୍ଥିତ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯିଏକି ଏଠି ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ବି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା ମୋଟିଭେସନ୍ ଦେବ, ସେ ମୋଟିଭେସନରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେଇ ଆସିବୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ନେଇ ଆସୁଛି, ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।